तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्राइपॉड स्टैंड कैसे बनाएं। तो ट्राइपॉड स्टैंड बनाने का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ट्राइपॉड स्टैंड बनाने के लिए ऐसे बॉटल को काटना है और यहाँ पे उसमें कट मारना है ऐसे, ताकि ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाए। और उसको ऐसे पेपर के रोल बना के उनका पूरा ग्रुप बना के ऐसे जोड़ लेना है। आप चाहो तो सीधे सीधे इसको भी लगा सकते हो। मेरे को ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने उसमें पेपर का रोल लगा के ये टेप लगा के उसको चिपका दिया हूँ। आप इसको ऐसे बनाओ के तो ये फिर आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। ऐसे करके खड़ा करती और ये ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो अभी ये पूरा नहीं बना है, इसमें हम यहाँ पे छेद करेंगे, सोल्डिंग आयरन से छेद करेंगे और इसके यहाँ पर भी छेद करेंगे और यहाँ पे भी, ताकि उसमें हम लगा सकें ये। और ये लगाना जरूरी है क्योंकि जब अपन वीडियो बनाएंगे, अगर हमको कैमरा को ऐसे रखना हुआ ऐसे वर्टिकली, तो वो कहीं पूरा ऐसे ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम वो ये लगाएंगे। और इसलिए भी कि जब हम कैमरा इसमें प्लेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ऐसे ना हो जाए, उसके लिए भी यहाँ पे लगाएंगे, ताकि ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और बॉटल को काटने के लिए मैंने लिया था ये वाला कटर, आप कोई भी कटर से काट सकते हो। और चिपकाने के लिए ये वाला टेप लिया था, पर आप कोई से भी टेप से चिपका सकते हो, आप चाहो तो नेम प्लेट से भी चिपका सकते हो। और अभी हम इसमें भी छेद करेंगे ताकि बॉटल में यहाँ पे लगा सकें। इससे ये होगा कि जो अपन खीरा लगाएंगे वो इससे निकलेगा नहीं, ये वायर से हम ऐसे स्टैंड बना लेंगे जिसमें फ़ोन को रखेंगे, स्टैंड बना लेंगे। और ये स्टैंड में जो ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर जाएगा हमारा फोन। तो आइए अब सोल्डिंग आयरन का जो काम है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है। देखिए, जैसे ये सोल्डिंग आयरन में जैसे ये नट लगा है ना यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह हम इसमें एक नट लगाएंगे। आपको दिखाता हूँ, और इसमें हम एक वॉशर लगाए हैं ताकि वो ज़्यादा हिले ना। तो ये कुछ ऐसे लगाएंगे हम नट को, ये इस तरीके से। हम इसमें जो प्लास्टिक हमने काटे हैं इसको भी पार्ट यहाँ से छेद करके लगा सकते हैं, अगर आपके पास वॉशर ना हो तो। पर हमारे पास वॉशर है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके पीछे हम लगाएंगे ये वाला बोल्ट जो नट में लगेगा, और ये जो है ये बॉटल की कैप में जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म हो गया है, अब हम इसमें छेद करेंगे। और इसमें भी छेद करके दिखा दूँगा, छेद करने के बाद। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉटल की ढक्कन में छेद कर लिया हमने, देख सकते हैं आप। और इसमें हमको यहाँ से ऐसे कीले को घुसा देना है, उसके बाद में ये जो आपको स्टैंड बनाया दिखाया हूँ मैंने, ये अब कोई से भी वायर हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी, इतनी मोटी वायर, वहाँ से लेके उसको इसकी मदद से मोड़ लेना। इससे आराम से तो नहीं पर मुड़ जाएगी। तो ये ऐसे बनाने के बाद में इसको ऐसे डालना, और अगर आपके पास वॉशर हो तो वॉशर इसमें लगा दीजिए, नहीं तो हमने ये छेद करके दिखाएंगे, इसको लगा सकते हैं आप।
तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इसको लिए हैं और ऐसे इसमें वॉशर डालेंगे और ऐसे नट को इसमें टाइटली कस देंगे ताकि वो आसानी से निकले ना। अगर आपको हाथ से न बन रहा हो तो फ्लास्क का यूज़ करके भी आप उसको कस सकते हैं ऐसे। तो ये कसने के बाद जब लग जाएगा तब आप फ़ोन को ऐसे ऐसे मूव कर पाएंगे उसमें राइट साइड। पीछे वाला हैंडल फ़ोन को राइट साइड मूव करने के लिए बनाया हूँ ताकि जब अपन रिकॉर्डिंग करें तो वो उंगलियाँ रिकॉर्डिंग में ना आए। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें जो छेद लगा है, छेद में हम अब ये वायर को ऐसे डालेंगे। पर दूसरे वाले पार्ट को ये दूसरा वाला जो छेद है उसमें डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मैंने तो उल्टा लगाया हूँ पर आप ऐसा मत करना, ये वाली पार्ट को आप वहाँ लगाना नहीं तो ये लगने में दिक्कत करेगा, लगेगा नहीं अच्छे से। तो ये कुछ ऐसा वाली का ऐसे ही आप बना सकते हैं। इसकी आप चिंता मत कीजिए, इसको आप ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ से।